नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक रुचि का भाग 2 है, उसका जो पंचम पाठ है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, जिसका नाम है हमारे पंडिता रमाबाई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हमारे क्या बताया गया है कि स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे खेटा ख्रिस्ताब्दे जन्म अभवत। ठीक है ना, यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य और अग्रणीय जो है वो पंडिता रमाबाई जो है ना, उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था, 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं कि तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री। ठीक है, अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई आस्था, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। ठीक है, यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणीय थी, जो आगे बढ़ने वाली जो थी, जो स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली जो थी पंडिता रमाबाई, उनका जन्म जो है 1858 ईस्वी में हुआ था, और उनके पिता जो है वो अनंत शास्त्री डोंगरे थे तथा माता उनकी जो है लक्ष्मीबाई थी। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आशीत, यानी कि उस समय जो है स्त्री शिक्षा जो है उनकी जो स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही चिंतन करने के लायक थी, बहुत ही चिंतनीय थी। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखिए स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत। ठीक है ना, यानी कि जो स्त्रियों के जो है स्त्रियों के द्वारा संस्कृत शिक्षण जो है वो प्रचलित नहीं था उस समय। क्या था? स्त्रियों के द्वारा क्या था? संस्कृत शिक्षण जो है वो क्या था? प्रचलित नहीं था। ठीक है, किंतु डोंगरे रूढ़िवंदाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत तम माध्या पयतः, यानी कि मतलब जो डोंगरी जी जो थे वो बहुत ही रूढ़िवद को धारण करके और परित्याग करके अपनी पत्नी को जो है वो संस्कृत मध्या पयत, और संस्कृत के लिए मतलब उन्होंने उसको जागृत किया और संस्कृत के बीच में उन्होंने उनको पहुंचाया। ठीक है ना दोस्तों, और संस्कृत का जो है उन्होंने अध्यापन भी किया। ठीक है ना, आगे देखिए एक दर्थ से समाजस्य प्रतारणात् अपि असत्, और उन्होंने क्या किया? समाज की भी बहुत ही प्रताड़ना को सहा, कोई भी कुछ भी बोल देता था तो भी उन्होंने उस चीज को मतलब सहन किया। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में अनंत रमा अपि स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवंती, और रमा जो थी उसने क्या किया, जो पंडिता जो रमाबाई थी उन्होंने अपनी माता से जो संस्कृत शिक्षा जो थी उसको प्राप्त किया, क्योंकि जो डोंगरी जी जो थे उन्होंने अपनी पत्नी को जो है सभी की जो है आगे देखते हुए संस्कृत शिक्षा का अध्यापन करवाया। ठीक है ना, ये अध्यापिका बना दिया, और उसके बाद में जो पंडिता रमाबाई जो उनकी पुत्री थी उन्होंने क्या किया, अपनी माता से जो है वो संस्कृत शिक्षा का ज्ञान लिया, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक देखिए कि इसमें यह बताया गया कि पंडिता जो रमाबाई थी उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, माता का नाम लक्ष्मीबाई था, और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया, और उन्होंने अपनी माता से जो है संस्कृत शिक्षा जो है उसको अपनी माता से प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, देखिए कि कालक्रम
कालक्रमेण रमया, कालक्रमेण रमया पिता विपन्नः सज्जातः, तस्य पितरो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विविंगा, ठीक है ना। तदंतरः रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्मभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमतः, यानी कि काल क्रमेण को चलते हुए, काल समय जो है उसको चलते हुए रमा जो है वो पिता के जो है व्युत्पन्न यानी अपने जो है उसको धारण कर लिया, और तस्य पितरों और उसके जो पितरों के जो पिताओं में जो ज्येष्ठ भ्राता उसके जो परिवार में जो ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगा, और जो वो दुर्भिक्ष की पीड़ित थी और दिवंग भी थी। तदंतर रमा जो है वह स्व अपने ज्येष्ठ भ्राता सह पद्मभ्याम समग्रम भारतम अभ्रम, और रमा जो है पंडिता जो रमाबाई है जो क्या बोलते हैं उसने अपने जो ज्येष्ठ भ्राता जो थे उनके साथ पद्मभ्याम समग्र भारतम जो है उसमें जो है अभ्रमता यानी कि उसमें जो है वो लीन हो गई, यानी कि उसके साथ में जो अपने भ्राता के साथ में वो आगे बढ़ने लग गई, ठीक है। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्तवा, और भ्रमण करते करते वो कहाँ चली गई, कोलकाता यानी कि कलकत्ता में वो चली गई। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता रमा पंडिता सरस्वती चेत उपाध्याम विभूषिता, और संस्कृत की जो विदुषी जो थी पंडिता रमाबाई इन्होंने क्या किया, सरस्वती चेत उपाध्याम विभूषित, और सरस्वती की उपाधि को विभूषित किया, सरस्वती की उपाधि को क्या किया, प्राप्त किया, ठीक है ना। तत्रैव सः ब्रह्मा समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्, और उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म जो समाज था उसको प्रभावित किया और वेदों का अध्ययन भी किया, ठीक है ना। और ब्रह्म समाज को जो है वो अपने ओर आकर्षित किया, है ना, उसमें खुद भी लीन हो गई और उन्होंने क्या किया कि वेदों को भी अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धती प्रारब्धवती, ठीक है ना। यानी कि उसके पश्चात में उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसमें वेद देनाम शास्त्र, और स्त्रियों की जो शिक्षा को है ना वेदों के लिए शास्त्रों के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो है उन्होंने क्या किया आंदोलन किया कि स्त्रियों को वेद और शास्त्रों का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और वहां से उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के शास्त्रों की शिक्षा के लिए क्या किया आंदोलन को जो है प्रारंभ कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखिए 1880 तमे खेष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालय बिहार अकरो, और उन्होंने क्या किया 1880 में जो है वो विपिन बिहारी दास जो सेन थे उनके साथ क्या किया बाकीपुर जो न्यायालय था तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने विवाह कर लिया, कब कर लिया 1880 में, ठीक है ना, बाकीपुर न्यायालय में, ठीक है ना, किसके साथ विपिन बिहारी सेन के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत, और एक सवा साल वर्ष जो है वो उसके पति जो थे वो क्या थे अनंतरम तस्या पति उनके पति जो है दिवंग हो गए थे, ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, देखिए तरंतरम सा पुत्र्या मनोरम रमया स जनम भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छतः,
और वो जो थी उन्होंने क्या किया, अपनी मनोरम्या जो सैभ जन्म भूमि जो थी वो महाराष्ट्र में प्रत्याग इनकी उसमें जाकर के उन्होंने बस गए। ठीक है ना। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अपिवर्ती, और नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपना जो जीवन था वो स्वयं का जो जीवन था उन्होंने अर्पण कर दिया। ठीक है ना। हणतर शिक्षा आरोग्यस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतिवती, और उन्होंने जो है नारी शिक्षा के लिए हंटर शिक्षा आयोग का जो है वो गठन किया और अपनी जो है उसमें वहां पर उन्होंने स्वमतम स्व अपना मत रखा और उसमें प्रस्तुतवती और उसमें प्रस्तुत हुई। ठीक है ना दोस्तों। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और उन्होंने वह कहाँ गई, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश के लिए चली गई। ठीक है ना। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहां पर क्या था, ईसाई धर्म के जो स्त्री जो है स्त्री जो थी वो उच्च विचार से क्या हुई, प्रभावित हुई। ठीक है ना। देखिए कि इसमें जो है वो पंडिता रमाई जो है वो उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा के सम्मान के लिए अपना जीवन जो है वो अर्पण कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। अपना जीवन जो है वो अर्पण कर दिया, फिर उसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग जो है उसके समक्ष नारी शिक्षा के विषय को स्वयं ने स्वयं के मत से वहां प्रस्तुत किया, वहां पर स्वयं जो है इस मत को रखने के लिए प्रस्तुत हुई। ठीक है। वह उच्च शिक्षा के लिए कहां पर गई, इंग्लैंड में चली गई। ठीक है। उसके बाद में ईसाई धर्म की जो वहां पर इंग्लैंड में जो स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, इनके उत्तम विचार से वो क्या हुई, बहुत ही प्रभावित हुई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिकात देश देशम अगच्छत, और इंग्लैंड से रमाबाई जो है वो कहाँ चली गई, अमेरिका देश में चली गई। ठीक है ना। इसके बाद तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थ सहायतार्थम अर्थ सच्चयम अकरोत, और पंडिता रमाई बाई जो है वो इंग्लैंड से अमेरिका आ गई और उसके बाद में उन्होंने भारत देश की जो विधवा स्त्री थी उनकी सहायता के अर्थ में उनकी जो सहायता जो है वो के अर्थ में उन्होंने क्या किया, अर्थ यानी कि धन का जो है वो संचय उन्होंने किया। ठीक है ना। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा सारणा सदनम अस्थापत्य, और उन्होंने क्या किया कि उसके बाद में भारत में आकर के मुंबई नगर में शारदा सदन का जो है वो स्थापना की, शारदा सदन की क्या की, स्थापना की। ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले कहां गई हूं, इंग्लैंड, इंग्लैंड से कहां पर आ गई, अमेरिका में आ गई। ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने भारत देश की जितनी भी विधवा स्त्रियां थी उनकी अर्थ की सहायता के लिए धन को जो है सहायता के लिए उन्होंने क्या किया, धन का संग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद मुंबई नगर में वो आई, मुंबई नगर में फिर शारदा सदन का उन्होंने क्या किया, स्थापना कर दी। इसके बाद में अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवेशति स्मः, अस्मिन आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्मः, और उनके जो आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां क्या करती थी, निवास करती थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में तत्र स्त्रिया मुद्रण टंटण काष्ठ कालादीना च प्रतिक्षण मपी लवंते इसमें है। ठीक है ना। और वहां जो स्त्रियां रहती थी वो मुद्रा का
टंकण का और काष्ट की कला जो है उसमें क्या थी, उसके प्रतिक्षणम अपील उसका प्रतिक्षण करती थी, उसके मतलब प्रशिक्षण का क्या करती थी, लाभ लेती थी। ठीक है ना। परम इदम सदनम पुणे नगरे, परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। और फिर इसके बाद में कुछ समय बाद में इस जो ये जो सदन था शारदा सदन जो था उसको पुणे नगर में क्या किया, स्थानांतरित कर दिया। ठीक है ना। तथा पुणे नगरस्य समीपे किंडगाम स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। और उन्होंने क्या किया कि पुणे नगर जो था वहां पर उसके समीप में एक केड़ गांव नाम का जो स्थान था वहां पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान से जो है वहां पर स्थापना अपनी कर दी। ठीक है ना दोस्तों। मुंबई नगर में शारदा सदनम, पुणे नगर में क्या किया, केड़ गांव में कौन सा है, मुक्ति मिशन नाम का जो है संस्थान है। ठीक है ना। कौन सा संस्थान है, मुक्ति मिशन नाम का। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तत्र अधुना अपि निराश्रिताः। और फिर भी वो क्या हुई, आगे चल करके निराश हो गई। स्त्रियां सा सम्मान जीवनम यापन्ति। और उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों के सम्मान के लिए, सह सम्मान के लिए अपना जीवन जो है वो यापन किया। वो हमेशा स्त्रियों के सम्मान के लिए ही सबसे क्या करती रही, लड़ती रही। ठीक है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं। देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। उनका निधन कब हुआ था, 1922 में। ठीक है दोस्तों। उनका जन्म कब हुआ था, 1922 में। उनकी मृत्यु कब हुई, 1922 में। और उनका जन्म कब हुआ था, 1858 में। ठीक है। उनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है। सा देश विदेशानाम अनेकेषु भाषासु निर्गुणा आसीत। और जो पंडिता जो रमाबाई थी वो देश और विदेश की भाषाओं में निपुण थी। ठीक है ना। यानी कि वो सभी प्रकार की जो है भाषाओं में क्या थी, निपुण थी। समाज से ब्याह अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। और उन्होंने समाज के लिए, समाज सेवा के लिए अतिरिक्त जो है लेखन क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण क्या है, जो योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेना इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ठीक है ना। स्त्री धर्म नीति में हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की जो है वो प्रसिद्ध जो है वो उन्होंने क्या की, रचना की। ठीक है दोस्तों। यानी कि उनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। ठीक है। उन्होंने देश विदेश की भाषाओं का क्या था, ज्ञान था उनको, निगुण थी। ठीक है ना। समाज सेवा के में क्या थी, अतिरिक्त जो है वो लेखन की जो है वो उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। और स्त्री धर्म नीति में हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। और इन्होंने क्या की, हाई कास्ट हिंदू विमेन जो रचना है उन्होंने क्या किया, प्रसिद्ध रचना को किया है। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारे इस पाठ में पंडिता रमाबाई ने जो है वो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही मतलब अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए मुंबई में, पुणे नगर में इत्यादि जगह उन्होंने मतलब अपने जो है वो स्त्री शिक्षा को जानने के लिए संस्थान किए, संस्थान खोले हैं। और इसके बाद में 1922 में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की जो है प्रसिद्ध रचना जो है वो की है। और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत ही बल यहाँ पर दिया है। ठीक है दोस्तों। आज हमारा जो ये कक्षा 7 का जो है पाठ 5 जो था पंडिता रमाबाई वो यहाँ पर जो है वो संपूर्ण होता है। ठीक है। अगली कक्षा में हम अगले पाठों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।